दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बनाएंगे अप्पे सूजी के। आप लोग वीडियो में देखते रहिए। और ये मैंने सूजी ले लिया, इसके अंदर अभी दही से मैं अच्छे से इसको मिक्स करके फिर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूंगी। मैं पूरा मिक्स करके आपको दिखा दूंगी। देखिए, मेरा हो गया है मिक्स करना। अभी इसको मैं 5 मिनट के रख दूंगी ढक के, फिर आप लोगों से मिलते। मेरा हो गया रेडी, 5 मिनट हो गया। देखिए, अभी इसके अंदर मैंने एक प्याज काट लिया, टमाटर और धनिया और हरी मिर्ची काट लिया। अभी इसको इसके अंदर दे दूंगी। और इसके साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी दे दूंगी अच्छे से फूलने के लिए। और दे दूंगी नमक स्वाद अनुसार। और उसके साथ साथ दे दूंगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा एकदम। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। दोस्तों, ये हमारा हो गया अच्छे से मिक्स। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रखिए, ज़्यादा पतला मत कीजिए आप लोग बनाएंगे तो। और इसमें ना एक गाजर देने से अच्छा लगता, मेरे पास है नहीं अभी, इसलिए मैं नहीं दिया। आप लोग ऐसे ही खा के देखिए, नहीं तो गाजर देके भी बना के खा सकते आप लोग। मैंने एक छोटा सा कढ़ाई ले लिया, इसमें तड़के के लिए देना पड़ता है ऑयल। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। गर्म हो गया ऑयल, मैं इसके साथ साथ दे दूंगी थोड़ा सा सरसों। और इसके साथ साथ थोड़ा सा करी पत्ता हो गया मेरा। अभी इसके अंदर दे देंगे, दे रही है इसके अंदर। इसके एक साथ मिक्स कर लेती। ये हो गया हमारा रेडी। अभी अप्पे का तवा डालेंगे फिर बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो में आगे। इसके अंदर दे दूंगी थोड़ा सा ऑयल सब में। अभी मैं एक चम्मच करके इसके अंदर दे दी थी। मिनट के लिए ढक देंगे। हमारा अप्पे हो गया, देख रहे हैं। अभी इसको पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से पलट रहे और कितना अच्छे से फूल गया पूरा। ये देखिए पूरा पलट दिए, कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा ऑयल दे देंगे। ये हमारा हो गया अप्पे रेडी। अब इसको निकाल लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये हो गया हमारा अप्पे रेडी, तो मूंगफली के चटनी के साथ कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग खा के बताएंगे कैसा बनी है।
दोस्तों अभी देख रहे हैं खा के कैसा बनी है मेरे हस्बैंड जी, कैसा बने सुपर। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि नए नए वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।